इसकी नाप बताती जाऊंगी बॉर्डर कितना है ऊपर हमने किस तरह से और कितना बुना है शेप कहा से दिया है मेन देखिए इतना आसान करके आपको सिखाई है ये केप ये देखिए अंदर हम जब साइड से सिलाई लगाएंगे तो ये देखिए किस तरह से नीटली इसकी सिलाई लगी है आपको बिल्कुल नहीं चुभेगा बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है इसकी सिलाई अंदर ये देखें अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी रो बाय रो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस के साथ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें सबसे पहले जो साइज मैं बना रही हूँ उसके लिए फंदे डालेंगे एक सौ बारह आप अपनी साइज के हिसाब से डालेंगे आप आप कहेंगे कि केबल डिजाइन है तो आप किस तरह से मैं हम अपने हिसाब से डालें मैं आपको बताऊंगी कि केबल के हिसाब के से आप किस तरह डालें जब केबल डिजाइन शुरू होगा यू कैन कास्ट ऑन स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो इफ यू वॉन्ट टू फॉलो दिस यू कैन सर्च कास्ट ऑन बाई क्लीस आप किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल लें जो आपको आता है ये वाला तरीका इस्तेमाल करना हो तो आप सर्च करें कास्ट ऑन बाई क्लीरियंस मैंने बहुत सारे कास्ट ऑन के तरीके सिखाए हैं जब आप सर्च करेंगे ना तो आ जाएगा फिर जो आपको आसान लगे आप वो इस्तेमाल कर लें ठीक है ये अब हम इस तरह से फंदे डाल लेते हैं सारे फंदे डाल लिए हमने सिलाई पे यहाँ अब बॉर्डर बुनेंगे बॉर्डर बुनेंगे हम दो सीधे दो उल्टे वाला वो आर गोइंग टू नेट टू इन टू टू रिप बॉर्डर अगर आपने सेपरेट वीडियो देखनी है ना टू इन टू टू रिप बॉर्डर वाली तो मैंने सिखाया हुआ है दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर किस तरह से बुनते हैं बिगनर हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा मैं लिंक शेयर कर दूंगी दो सीधे बुनेंगे नेट टू स्टिचेस ये इस तरह से सीधा बंदा होता है सही अब धागा आगे करेंगे पर्ल टू मतलब उल्टा फंदा तो दो फंदे उल्टे बुनेंगे ये होता है दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर अब इसी तरह से सारे फंदों पे इसी तरह बुनते जाएंगे दो सीधे दो उल्टे नेट टू पर्ल टू रिपीट ऑन ऑल स्टिचेस ऑन ऑल स्टिचेस दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे बस इसी तरह से बुनते जाएं पहली सिलाई यहाँ पे हमारी पहली सिलाई कंप्लीट होने वाली है दो सीधे बुने ना अब दो उल्टे फंदे यहां पे बुनेंगे ये हमारी पहली पहली सिलाई जो है खत्म हो गई है रो वन कंप्लीटेड नाउ रो टू एन एवरी रो सेम एज रो वन हमने जो पहली सिलाई बुनी है ना आप दो सीधे दो उल्टे करके उसी तरह से ही सारी सिलाइयाँ बुननी है दो सीधे दो उल्टे करके जितना भी बॉर्डर आपको चाहिए दस सिलाइयां बुनो दो इंच बुनो तीन इंच बुनो जितना बॉर्डर चाहिए ना कैप का एज के हिसाब से यही बस एक सिलाई रिपीट करते जब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी बिगनर्स के लिए ठीक है एक दफा और लेट्स रिपीट वन मोर टाइम टू हेल्प बिगनर्स रो टू सेम एज रो वन रो टू इन एवरी रो अब ये देखें ये जो वी शेप जैसा आपको दिख रहा है ना इस तरह से ये सीधे फंदे दिख रहे हैं इधर से इस तरफ से उल्टे हैं लेकिन इस तरफ से आपको ये वी शेप दिखेगा तो मतलब सीधा है सीधा बुनेंगे और ये जो बम्पी सा है ना ये उल्टा है नेट स्टिचेस पर्ल स्टिचेस ना नेट ऑन नेट स्टिचेस एंड पर्ल ऑन पर्ल स्टिचेस ऑन रिटर्न रो दिस इज वॉट वी विल डू ऑन रिबिंग रो टू सेम इज रो वन दो सीधे दो उल्टे जैसे दो सीधे दो उल्टे करें देखिए दो सीधे दो उल्टे लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो तो आप देख लें ये देखिए रिटर्न रो पे उल्टे मिले हुए हैं ना ये बम्पी बम्पी से धागा के करके उनको उल्टा बुन लेंगे बस यही रिपीट करते जाना है आपने दो सीधे ये देखिए वी शेप दिखेगा आपको इनको आपने सीधा बुन लेना है और ये देखिए बम्पी से शेप आएगा उभरा हुआ उसको आप उल्टा बुनेंगे ये होता है हमारा रिबिंग में रिबिंग मतलब एक सीधा एक उल्टा दो सीधे दो उल्टे तीन सीधे उल्टे इस तरह से करके तो ये दो सीधे दो उल्टे वाला है दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे करके सारे फंदे इसी तरह से बुन लेने हैं जैसे रो वन बुनी है कीप कीप रिपीटिंग रिपीटिंग टू 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 ऑन ऑल स्टिचेस एंड दिस रो फॉर फॉर योर डिजायर्ड लेंथ द बॉर्डर ऑफ द कैप कैप के बॉर्डर तक की जितनी आपको लेंथ चाहिए मैं नाप के दिखाऊंगी आप बॉर्डर बुन के कंप्लीट कर लिया है मैंने यहां पे ढाई इंच रखा है ये एडल्ट केप है तो मैंने इसलिए ढाई इंच इसको रखा है डिटिल के नीचे से नाप रही हूँ आप अपने हिसाब से बॉर्डर रख लें छोटा या बड़ा वो आपकी मर्जी है ढाई इंच बॉर्डर बुन लेने के बाद आफ्टर नेटिंग टू टू एंड हाफ इंच मैं में भी लिख दूंगी ताकि जिनकी लैंग्वेज सेम नहीं है वो समझ सकें राइट साइड से अब हम ऊपर पैटर्न शुरू करेंगे बॉर्डर बुन लेने के बाद ऊपर हम डिजाइन शुरू कर रहे हैं देखिए बॉर्डर खत्म हो गया उसके बाद वाली पहली सिलाई आफ्टर बॉर्डर राइट साइड रो वन हम क्या करेंगे छ फंदे सीधे बुनेंगे निट सिक्स दो चार निट धागा आगे करेंगे पर्ल टू ये देखें एक दो अब आपने यही रिपीट करते जाना है कीप रिपीटिंग दिस नेट सिक्स छ फंदे सीधे बुनेंगे और पर्ल टू दो फंदे उल्टे नेट मतलब सीधा फंदा पर्ल मतलब उल्टा फंदा आपने दिमाग में रखना है मैं विज्ञान के लिए बता रही हूं देखिए दो उल्टे यही रिपीट करते जाएं सारे फंदों पे। छह सीधे फंदे बुनेंगे ये इस तरह से सीधा फंदा बुनते हैं ये देखें एक एक दो तीन चार पांच और ये छह सीधे फंदे नेट सिक्स धागा आगे और पर्ल टू दो उल्टे दो फंदे उल्टे कीप रिपीटिंग दिस ऑन ऑल स्टिचेस नेट नेट सिक्स सिक्स टू six, पर्ल टू छह सीधे दो उल्टे छह सीधे फंदे दो उल्टे इस तरह से रो वन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है बस ये आखिरी दफा ये देखें छह फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच नेट दो पर्ल पर्ल टू ये देखें इस तरह से रो वन कंप्लीटेड रो टू अभी उल्टी साइड की सिलाई है रो टू रोंग साइड क्या करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे छह उल्टे ये देखें रो टू रोंग साइड निट टू स्टिचेस पर्ल सिक्स ये देखिए मतलब जो फंदे सीधे मिले हुए हैं उन पे सीधा फंदा बुनेंगे ये देखिए बंपी बंपी से उल्टे दिख रहे हैं इनको उल्टा बुनेंगे यही करते जाएंगे दो सीधे छह उल्टे फंदे नेट टू सिक्स स्टिचेस अगेन रिपीट कीप रिपीटिंग दिस यही रिपीट करते जाना है आपने दो सीधे छह उल्टे ये देखिए सी फिर से रिपीट करेंगे दो सीधे छह उल्टे फंदे, नेट टू स्टिचेस एंड पर्ल सिक्स स्टिचेस। देखिए, बस यही रिपीट करते जाइए। देखिए, दो सीधे दो चार छह उल्टे फिर से ये देखिए, आपको दिख भी रहा है ये देखिए, ये वी शेप जैसा है ना ये सीधा मिला हुआ है इसको सीधा बुन ले और ये देखिए, ये बम्पी बम्पी सा है ना ये उभरा हुआ ये आपको उल्टा मिला हुआ है तो धागा करके इसको उल्टा जब सीधा फंदा बुन रहे होंगे ना तो धागा पीछे जाएगा अभी यहाँ से और जब उल्टा बुन रहे हैं तो धागा आगे आएगा बेसिक है ये नेट पर्ल का रूल मैंने सिखाया हुआ है फिर से धागा पीछे ये देखें ये आपको सीधा मिला हुआ है इसको सीधा जस्ट कीप रिपीटिंग दिस यही आप रिपीट करते जाएं रो टू निट टू पर्ल सिक्स स्टिचेस ऑन ऑल स्टिचेस अब यहां पे हमारी दूसरी सिलाई पूरी होने वाली है दो सीधे और छह उल्टे फंदे बुनकर ये देखें एक दो तीन चार पाँच छ अब हमारी जो तीसरी सिलाई होगी ना देखें अब यही आपने दो स्लाइया रिपीट करते जानी हैं लेकिन मैं कोई चीज स्किप नहीं कर रही क्योंकि अगर बिगनर फॉलो कर रहे हैं तो उनको हेल्प हो जाए थर्ड uh, रो uh, तीसरी सिलाई राइट साइड सेम एज रो वन तीसरी सिलाई जो है हमारी वो पहली सिलाई की तरह ही बॉर्डर के बाद वाली पहली सिलाई दो uh, छह फंदे जो है हम सीधे बुनेंगे थर्ड रो सेम एज रो वन निट सिक्स पॉल टू निट सिक्स पॉल टू ऑन ऑल स्टिचेस तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह छह फंदे सीधे दो उल्टे बुनते जाएंगे सारे फंदों पे ये हमारी तीसरी सिलाई है ये देखें तीसरी पहली की तरह फिर से रिपीट करें छह सीधे दो उल्टे छह सीधे दो उल्टे करके ऑन ऑल स्टिचेस रिपीट दिस यही रिपीट करते जाएं सी ये देखें जिस तरह पहली सिलाई बुनी ना उसी तरह से ही जो फंदे आपको अब सीधे मिले हुए हैं सीधे जो उल्टे उल्टे छठी तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह थर्ड रो तीसरी सिलाई छह सीधे हो गए फंदे हमारे अब दो उल्टे तीसरी सिलाई कंप्लीटेड थर्ड रो कंप्लीटेड राइट साइड नाउ, रॉन्ग साइड फोर्थ रो सेम एज रो टू चौथी सिलाई उल्टी साइड दूसरी सिलाई की तरह दो सीधे छह उल्टे फंदे बुनते जाएंगे ये देखिए दो सीधे छह उल्टे दो तीन चार पांच कीप रिपीटिंग दिस फोर्थ रो सेम एज रो टू निट टू सिक्स, दो सीधे छह उल्टे एक दफा और बता देती हूं ये देखें रिपीट बस करते जाएं। जिस तरह हमने दूसरी सिलाई बुनी ना उल्टी साइड की उसी तरह से। ये देखें। कीप रिपीटिंग दिस फोर्थ रो कंप्लीटेड चौथी सिलाई हमारी पूरी हो गई है दो सीधे छ उल्टे फिफ्थ रो सेम एज रो वन पांचवी सिलाई सीधी साइड पहली सिलाई की तरह छह फंदे सीधे और दो उल्टे फिफ्थ रो सेम रो वन पर टू रिपीट ऑन ऑल स्टिचेस। ये देखें। बस आपने यही रिपीट करते जाना है हमारी पांचवी सिलाई छ सीधे दो उल्टे फिफ्थ रो कंप्लीटेड पांचवी सिलाई पूरी हो गई है रोई दूसरी सिलाई की तरह दो फंदे सीधे छह फंदे उल्टे करके हम बुनते जाएंगे ठीक है कीप रिपीटिंग दिस नेट टू परोंग साइड सिक्स थ्रो कंप्लीट छठी सिलाई हमारी पूरी हो गई है अब सातवीं सिलाई सेम सिलाई की तरह ही सातवीं सिलाई भी होगी राइट साइड से फंदे सीधे दो उल्टे फंदे बुनने हैं. स्टिचेस ऑन ऑल स्टिचेस यही आप रिपीट करते जाए पहली सिलाई की तरह सेवन रो कंप्लीटेड सातवीं सिलाई पूरी हो गई है आठवीं सिलाई दूसरी सिलाई की तरह ही होगी दो फंदे सीधे बुनेंगे रॉन्ग साइड से और छह फंदे उल्टे एट्थ रो सेम इज रो टू नेट टू स्टिचेस एंड पर्ल सिक्स स्टिचेस ये देखें इस तरह से इसी तरह से आपने सारे फंदे बुन लेने हैं कीप रिपीटिंग दिस नेट टू पर्ल सिक्स एट्थ रो कंप्लीटेड आठवीं सिलाई हमारी पूरी हो गई अब आपको कुछ इस तरह से ये दिखेगा अब पीछे से आप काउंट कर सकते हैं गिन सकते हैं ये देखिए यहाँ से गिन लें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ सिलाइया अब नाइन्थ रो होगी हमारी इस पे हम केबल ट्विस्ट देंगे जो छह छे, छे वाले फंदे देख रहे हैं ना इन इनपे हम केबल ट्विस्ट देंगे किस तरह से देंगे आप अपनी मर्जी के केबल रख सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो केबल ट्विस्ट आएगा वो केबल निडल के साथ भी आप ट्विस्ट दे सकते हैं लेकिन मैं उसके बगैर सिखा रही हूं आप के पास है तो आप यूज कर लें ये देखें ये तीन फंदे छोड़ेंगे इधर आगे और ये तीन फंदे हम इस तरह से पीछे की तरफ से आगे ले आएंगे ये देखिए इस तरह से सही है अब ये वाले जो पीछे से तीन फंदे लेकर आए हैं ना पीछे से वो सिलाई के ऊपर रख लेंगे इस तरह से अब इन छह फंदों को सीधा बुन लेंगे ट्विस्ट सिक्स स्टिचेस एंड निट मॉल सी सिक्स एफ किया है हमने यहाँ पे, इसको हम सी सिक्स एफ बोलते हैं सी मतलब केबल सिक्स नंबर छः फंदों पे और इफ मतलब पहले तीन फंदे हमने फ्रंट पे रखे ये देखें इस तरह से इसका शेप आएगा मैं आपको फिर से करके बताऊंगी पर्ल दी स्टू ये दो फंदे जो उल्टे मिले उनको उल्टा ही बुनेंगे यही आपने रिपीट करते जाना है सारे फंदों पे जहां जहाँ पे छह मिले होंगे ट्विस्ट देंगे जो उल्टे हैं उनको इसी तरह बुनेंगे अगेन आई एम शोइंग यू फिर से मैं दिखा रही हूं मैं कुछ और दफा दिखाऊंगी ताकि बिगनर्स को हेल्प हो ये मैंने टेक्निक सेपरेटली भी छोटी वीडियो बनाई हुई है आप सी सिक्स एफ बाय क्लीड निट्स करेंगे ना आपको डिटेल में मिल जाएगी वो अब यहाँ पे देखें पीछे से थ्रू बैक थ्रू बैक दिस ब्रिंग थीज थ्री स्टिचेस ये जो छ तीन फंदे हैं ना थ्री ये पीछे से लेकर आएंगे और ये आगे हैं ये देखिए अगर केबल निडल होती ना तो इनको आप उस पर निकाल के आगे रख लेते फ्रंट कीप तीस थ्री स्टिचेज ऑन फ्रंट एंड बिल्कुल हल्के से आपने हाथ रखना है आपने फंदों को गिराना नहीं है निकाल नहीं देना ये देखें ये पीछे ले जाएंगे और ये आगे लेकर आएंगे ये ट्विस्ट आया गिव अ ट्विस्ट सी सिक्स एफ नॉन एट थ्री सिक्स स्टिचेस छह फंदे सीधे सीधे बुन लें एक दो तीन चार पांच ऑल दीज टू ये दो फंदे उल्टे मिले हुए हैं इनको उल्टा बुन लेना है ये इस तरह से फिर से मैं एक दफा आपको दिखाती हूँ ये देखिए इस तरह से इसका शेप आ रहा है सही है अब फिर से कीप रिपीटिंग दिस सी सिक्स एफ पर्ल टू सी सिक्स एफ पर्ल टू ऑन ऑल फिर से ये तीन तीन फंदे आगे और ये तीन फंदे पीछे से आगे लेकर आएंगे ये इनको गिराना नहीं है आपने यूं कर लेना है यूं ट्विस्ट देंगे और इनको वापस रखेंगे और बुन लेंगे ये देखें छह फंदे बहुत ही आसान है आप एक ही सिलाई रिपीट करेंगे ना, ना आपको बहुत आसानी लगेगी ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है ना और ये दो फंदे उल्टे बनने पर ऑल दीज टू स्टिचेस कीप डूइंग इट ऑन ऑल स्टिचेस वंस मोर ये देखें फिर से करती हूं यहां से और ये एक दो और ये तीन इस तरह से रखें वापस और छह फंदों को सीधा सीधा बुन लें देखें लाइक दिस और ये दो फंदे उल्टे बस यही रिपीट करते जाएं भाई छह पे ट्विस्ट देना है और दो उल्टे बुनने इसी तरह से सारे बुन लें स्लाई पूरी हो गई है यहाँ पे ये यह देखें छह फंदों पे ट्विस्ट दिया और दो उल्टे बुन लिए नाए, रो कंप्लीटेड अब टेंथ रो दसवीं सिलाई हमारी दूसरी सिलाई की तरह ही होगी रॉन्ग साइड सीधे फंदों पे सीधा बुनेंगे उल्टे फंदों पे उल्टा बुनेंगे निट टू पर्ल सिक्स सेम रो, टू। रो, सेम एज टू कीप रिपीटिंग दिस इसी तरह से ही बुनते जाएंगे आप दो सीधे छह उल्टे करके सारे फंदों पे कोई फर्क नहीं आएगा रॉन्ग साइड रो जो होगी केबल ट्विस्ट देने के बाद दो सीधे छह उल्टे दो सीधे छ उल्टे दसवीं सिलाई रॉन्ग साइड दसवीं सिलाई कंप्लीट होने वाली है यहाँ पे ये देखे आखिरी छह फंदे उल्टे बुनेंगे टेंथ रो कम्प्लीटेड हेयर नाउ रिपीट दीस टेन रोज फॉर योर डिजायर लेंथ बिफोर क्राउन शेपिंग भाई क्राउन को शेप देंगे ना डिक्रीजेस करेंगे ऊपर से बहुत ही आसान है वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगी तब तक आपने टोपी को इसी तरह से आठ सिलाइया रिपीट करके बुन लेना है और दस सिलाइया यही दस सिलाइया मतलब बॉर्डर के बाद वाली जो दस सिलाइया है बॉर्डर के बाद वाली दस सलाइया रिपीट करते जाएंगे और इसी तरह से आठवीं ट्विस्ट आएगा और सॉरी नवी ट्विस्ट आएगा और दसवीं रिपीट रो होगी मतलब बीच में आठ आठ स्लाइं का गैप आता जाएगा मतलब अब देखें दस लाइनें हो गई हैं ना फिर से पहली से शुरू करेंगे ग्यारहवीं पहली की तरह होगी बारहवीं दूसरी की तरह होगी इसी तरह से दस लाइया रिपीट करते जाएंगे और फिर उतनी लेंथ रखनी है जितनी आपको सर के लिए चाहिए मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि मुझे कितनी मिली है क्राउंड शेपिंग से पहले लेकिन आप जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके सर पे भी नाप के रख के देख सकते हैं कि भाई इतना इतना हमें इसकी लेंथ चाहिए उसके बाद हम क्राउन शेपिंग देंगे यहाँ पे देखिए मैंने केबल स्टिच बुन के कंप्लीट कर लिया है उस हिसाब से जितनी लेंथ मुझे चाहिए आप सर पे अगेन नाप के देखेंगे आखिर में कि आपको क्या लेंथ मिली है क्या चाहिए आपकी साइज के हिसाब से ये इतनी आसान कैप है केबल कैप के कोई मतलब के कैलकुलेशन इसमें कोई हार्ड नहीं है मैं आपको मेथड भी बहुत आसान तरीके वाला समझाऊंगी इसको शेप देने का क्राउन को यहाँ पे देखें साढ़े आठ इंच तक मैंने इसको बुन लिया है आप इससे कम भी रख सकते हैं एज के सर के साइज के हिसाब से इससे जो है वो बड़ा भी रख सकते हैं साढ़े आठ इंचस साढ़े आठ इंचस बुन लेने के बाद यहां से लेकर यहां तक साढ़े आठ इंचस आफ्टर निटिंग एट एंड हाफ इंच वी विल शेप क्राउन राइट साइड रो वन आफ्टर निटिंग एट एंड हाफ इंचेस और योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द कैप अकॉर्डिंग टू योर ओन साइज पहली सिलाई है साढ़े आठ इंचस बुन लेने के बाद राइट साइड है हम क्या करेंगे बहुत ही आसान है हम ये जो छः-छः फंदे देख रहे हैं ना उनमें से पहले घटाएंगे पहले दो फंदे बुनेंगे निट टू स्टिचेस नॉन निट दीज टू फोर स्टिचेस निट टू टूगेदर निट टू टूगेदर टू ये दो फंदे हमने सीधे बुने अब ये जो चार फंदे हैं ना इसका भी दो का एक करेंगे इसका भी दो का एक करेंगे ये देखिए इस तरह से नेट टू स्टिचेस टुगेदर नेट टू स्टिचेस टुगेदर दो फंदों का एक किया साथ बुना सही है नेट 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 टू 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 स्टिचेस एंड टुगेदर टुगेदर दो फंदे सीधे बुने फिर दो फंदों का एक किया फिर दो फंदों का एक किया मतलब साथ साथ बुने सीधा करके अब आगे धागा करके और ये दो फंदे उल्टे ही बुनेंगे आपको कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है ये इतना आसान मेथड है अब यू विल कीप रिपीटिंग दिस ऑन ऑल स्टिचेस यही आपने रिपीट करते जाना है सारे फंदों पे पर मैं दिखा रही हूं फिर से दो फंदे सीधे बुनेंगे ये देखें एक ये देखें दो अब ये भी दो का एक करेंगे सीधा बुनेंगे ये भी दो फंदे साथ बुनेंगे इस तरह से सीधा करके निट टू स्टिचेस निट टू टुगेदर निट टू टुगेदर नाउ पर्ल दीज टू स्टिचेस ये दो फंदे साथ उल्टा बुनेंगे सीधा नहीं उल्टा बुनेंगे इसको मतलब ये उल्टे मिल है ना यहाँ पे उल्टे ही जाएंगे यहां से फिर से अगेन दो फंदे सीधे बुने नेट टू स्टिचेस नेट टू टुगेदर दो का एक किया फिर से नेट टू टुगेदर दो का एक किया फिर से दो फंदे उल्टे बुन लिए कीप रिपीटिंग दिस यही रिपीट करते जाएं मैं कुछ दफा और दिखा रही हूं बिगनर्स के लिए आई एम शोइंग दिस फो टू हेल्प बिगिनर्स ये देखिए दो सीधे बुने अब दो फंदों का एक किया सीधा बुना दो फंदों को साथ बुनेंगे मगर सीधा इस तरह से और फिर धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर से ये दो फंदे सीधे बुनेंगे नेट टू टूगैदर और टू नेट टू टू स्टिचेस नाउ नेट डीज डीज टू टुगेदर छह फंदे हैं ना छह फंदे केबल वाले को हम क्या कर रहे हैं इस पे के दो फंदे सीधे बुन रहे हैं और फिर दो साथ में दो साथ में करके बुन रहे हैं रिपीट अगेन नेट दिस टू दो साथ सीधे बुनो ये देखिए छह फंदे केबल वाले अब ये दो को साथ बुनेंगे फिर से ये दो को भी साथ बुनेंगे अगेन ये दो फंदे उल्टा बुन लेंगे अब यही करते जाए आखरी ये सारे फंदों पे ये देखिए। रिपीट करती आई हूं दो फंदे सीधे बुने फिर दो का एक दो का एक और दो उल्टे अब ये आखिरी सेट है हमारा ये देखिए एक दो सीधा बुना दो फंदे फिर ये दो का एक फिर ये भी दो का एक और ये फंदे दो हमारे उल्टे अब इसकी जो रोंग साइड है ना वो बहुत ही आसान है रो टू फॉर क्राउन शेपिंग ऑन स्टिचेस पर्ल ऑन पर्ल स्टिचेस भाई जो उल्टी साइड होगी ना इसकी दूसरी स्लाई क्राउन शेपिंग की रॉन्ग साइड से उल्टी साइड से वो हम सीधे फंदों पे सीधा बुनेंगे उल्टे फंदों पे उल्टा बुनेंगे निट टू दो फंदे सीधे पर्ल फोर स्टिचेस एक दो तीन चार दो सीधे चार उल्टे दो सीधे चार उल्टे यही रिपीट करते जाएंगे सारे फंदों पे क्योंकि हमने डिक्रीजेस किए हैं ना दो फंदे घट गए हैं इन छह फंदों में से तो सिलाई वैसे ही है जैसे हम बुनते आ रहे थे बट हमारे फंदे घट गए हैं तो अब छह की जगह पे चार हैं जस्ट कीप रिपीटिंग दिस निट टू स्टिचेस पर फोर स्टिचेस पर फोर फोर ऑन ऑल स्टिचेस यही बस आखिर तक आप रिपीट करते जाए दो सीधे चार उल्टे फंदे ये देखें इस तरह से ये ऐसी कोई रिपीट करते जाएं कीप रिपीटिंग दिस ये देखें अगेन यू विल नेट नेट स्टिचेस स्टिचेस एंड पॉल पॉल ऑन ये देखें ये बम्पी सा उल्टा मिला हुआ है ना इनको उल्टा बुनेंगे ये देखें उसी तरह ही है बस जैसे हम दो सीधे छः उल्टे बुन रहे थे ना रॉन्ग साइड से बस दो फंदे घटने की वजह से छः की जगह पर चार हो गए दूसरी सिलाई पूरी कर लें दूसरी सिलाई यहाँ पे देखें हमारी पूरी होने वाली है आखिर में ये देखें ये बिगनर्स की हेल्प के लिए मैं बता रही होती हूँ अब थोड़ा सा सब्र के साथ देख लिया करें दो सीधे और ये देखिए चार उल्टे क्योंकि अक्सर बिगनर्स को देख के ज़्यादा समझ में आता है ठीक है, दो सीधे बुने चार उल्टे टू पल फोर अब यहां पे जो हमारी तीसरी सिलाई है राइट साइड थर्ड रो राइट साइड थर्ड रो ऑफ क्राउन शिपिंग तीसरी सिलाई हमारी क्राउन शिपिंग की है यहां पे सीधी साइड से नेट टू स्टिचेस टू तो गैदर करेंगे दो फंदों का एक करेंगे अगेन नेट टू स्टिचेस टू तो गैदर करेंगे दो फंदों का एक करेंगे हमने क्या किया चार फंदे थे ना दो का एक का किया दो को सात बुना सीधा दो को साथ बुना सीधा तो चार के हो गए दो नेट नेट टू टू टुगेदर टुगेदर धागा आगे करेंगे पर्ल टू स्टिचेस ये देखिए नाउ कीप रिपीटिंग दिस ऑन ऑल स्टिचेस यही हम रिपीट करते जाएंगे क्योंकि सेट तो बने हुए हैं ना ये देखें केबल फिर दो पर्ल केबल फिर दो पर्ल तो दो का एक किया दो का एक किया दो उल्टे बुने सीधे अब फिर से दो फंदों का एक करेंगे यही रिपीट करते जाएंगे फिर से दो फंदों का एक किया और धागा आगे करके ये दो फंदे उल्टे बुने ये देखिए फिर से दो का एक किया अगेन नेट टू टुगेदर, नेट टू टुगेदर, धागा आगे पॉल टू स्टिचेस अब इसी तरह से सारे आप बुन लेंगे रिपीट दिस ने टू टुगेदर पॉल टू स्टिचेस टू 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 टुगेदर टुगेदर स्टिचेस ऑन ऑल स्टिचेस इसी तरह बुने दो काय करके दो का एक करके और दो फंदे उल्टे बुनेंगे ये इस तरह से थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है ये देखें आखिर में बताऊं आपको बिगनर्स के लिए दो फंदों का एक करेंगे टुगेदर दो फंदों का एक करेंगे निट टू टूगेदर और ये दो फंदे उल्टा बुनेंगे एक दो अब वही होगा रोंग साइड से सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा रिटर्न रो विल बी द सेम निट ऑन निट पर्ल स्टिचेस और मैं आपको बता देती हूँ बिगनर्स के लिए फोर्थ रो ऑफ क्राउन शेपिंग रोंग साइड चौथी सिलाई क्राउन शेपिंग की हमारी टोपी को शेप देने की उल्टी साइड ये देखें दो फंदे सीधे बुनेंगे दो उल्टे सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनते जाएंगे दो सीधे धागा करके और दो उल्टे से ये देखिए उल्टा फंदा फिर से दो सीधे दो उल्टे रॉन्ग साइड से क्या हो रहा है कोई डिक्रीज नहीं हो रहा है बस सीधे पे सीधा बुन रहे हैं उल्टे पे उल्टा बुन रहे हैं राइट साइड से डिक्रीजेस हो रहे हैं और मैं आपको रो बाय रो दिखा रही हूं कोई चीज स्कीप नहीं हो रही है यहाँ पे कोई चीज ना समझ में आए तो नीचे पूछ लीजिएगा रिपीट ऑन ऑल स्टिचेस कीप रिपीटिंग दिस नेट नेट टू 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 पर्ल पर्ल ऑन ऑल स्टिचेस यही बस आप रिपीट करते जाएं दो फंदे सीधे दो उल्टे दो फंदे सीधे दो उल्टे, दो उल्टे, दो उल्टे बुनते जाए सारे फंदों पर ये देखें ये चौथी सिलाई है हमारी क्राउन शेपिंग की फोर्थ रो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है ये देखें दो सीधे तो दो उल्टे फोर्थ रो कंप्लीटेड रॉन्ग साइड नाउ फिफ्थ रो राइट साइड क्राउन शेपिंग की पांचवी सिलाई राइट साइड से ये देखें दो फंदों का एक करेंगे ने टूगेदर फिफ्थ रो पांचवी सिलाई दो फंदों का एक किया अब क्या करेंगे धागा आगे करेंगे और ये जो दो फंदे हैं ना उनका भी एक ही करेंगे पर उल्टा बुनेंगे पर्ल टू टूगेदर इसको बोलते हैं मतलब फंदों को हम उल्टा बुनेंगे पर दो को साथ में बुनेंगे जो बुनाई करते रहते हैं उनको पता है ये टेक्निक नेट टू टुगेदर पॉल टू टुगेदर रिपीट ऑन ऑल स्टिचेस यही रिपीट करते जाएं दो फंदों का एक करेंगे सीधा बुन के फिर धागा आगे करके दो फंदों का एक करेंगे उल्टा बुन के बिगिनर्स के लिए मैं कुछ और दफा इस्तेमाल रिपीट करती हूं ठीक है नेट टू स्टिचेस टुगेदर दो फंदों का एक किया सीधा बुन के मतलब दो फंदों बन, फंदों को दो फंदों को सात बुना सीधा करके अब दो फंदों को यहाँ पे सात बुनेंगे पर उल्टा करके ये देखिए इस तरह से उल्टा फंदा जैसे बुनते हैं पर्ल टू टूगेदर इसको बोलेंगे ये निट टू टूगेदर निट मतलब सीधा फंदा पर्ल मतलब उल्टा फंदा तो पर्ल टू टूगेदर बिगनर के लिए हीप रिपीटिंग दिस निट टू स्टिचेस टुगेदर पर्ल टू स्टिचेस टुगेदर रिपीट ऑन ऑल स्टिचेस फिफ्थ रो पांचवी सिलाई दो का एक किया अब दो का एक करेंगे उल्टा बुन के ये हमारी पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई है फिफ्थ रो कंप्लीटेड सिक्स रो छठी सिलाई नेट वन वन पर्ल रिपीट ऑन ऑल स्टिचेस एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे ये जो ऐसा मिला हुआ है इसको उल्टा बुन लेंगे ये जो इस तरह का है इस शेप का वी शेप का इसको सीधा बुनेंगे इसको उल्टा कीप रिपीटिंग दिस नेट वन पॉल वन नेट वन पॉल वन ऑन ऑल स्टिचेस एक सीधा एक उल्टा बस बुनते जाएंगे आप छठी सिलाई हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई है सेवन रो सातवीं सिलाई हमने सारे फंदों पे नेट टू टुगेदर कर देना है निट टू स्टिचेस टुगेदर ऑन ऑल स्टिचेस सातवीं सिलाई पे राइट साइड से हमने दो फंदों का एक करते जाना है दो फंदों को सीधा बुनते जाना है साथ में ये देखिए इस तरह से नेट टू स्टिचेस टुगेदर नेट टू स्टिचेस टुगेदर ऑन ऑल स्टिचेस सारे फंदों को मैंने टू टूगेदर करके बुन लिया है सातवीं सिलाई अब आठवीं सिलाई रो एट रॉन्ग साइड पर्ल टू स्टिचेस टुगेदर ऑन ऑल स्टिचेस दो फंदों का एक करेंगे पर उल्टा बुन के ये इस तरह से ये देखिए ठवी सिलाई हमारी पूरी हो गई है अब हमने क्या करना है धागा काट लेना है और जो बचे हुए फंदे हैं वो हम बंद करके साइड सी लेंगे ये देखें धागा आपने ना इस तरह से नापना है यहां तक पहले करना है बट हम इतना नहीं काटेंगे क्योंकि हम जब सिलाई करते हैं तो ज्यादा लगता है इसका हम करेंगे डबल और उससे थोड़ा सा ज्यादा ताकि बीच में से कम ना पड़े ये देखें सही है अब ये एक बॉल था एक बॉल में से भी थोड़ी सी ये बची है मुझसे अक्सर सवाल आता है कि कितनी ऊन लगेगी तो ऊन में ने मेंशन भी की हुई है शुरू की जब शुरू वीडियो हुई थी ना तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कितनी ऊन है तो अंदाजा इसमें जो है वो 80 टू एटी फाइव ग्राम थ्री प्लाई ऊन का लगेगा पर कम ज़्यादा हो सकता है साइज के हिसाब से या आपकी सिलाई की थिकनेस के हिसाब से अब ये देखें सारे फंदों को हम बंद करेंगे इस तरह से जो बचे हुए हैं फंदे जितने भी आपके पास हों जरूरी नहीं है जितने मेरे पास हैं आपके पास भी उतने होंगे आपकी साइज के हिसाब से बट अगर आपने सेम फॉलो किया है ना तो इतने ये देखें एक दो तीन चार पांच छ सात सेवन स्टिचेस अब एक दफा गुजारेंगे इसमें एक दफा गुजार लिया अब फिर से इस फंदों के बीच में हमने सिलाई गुजार देनी है ताकि टाइट हो जाए और बस आप खुद ही फील हो जाएगा कि भाई सही से फंदे क्लोज हो गए हैं तीन चार दफा आप गुजार सकते हैं ये देखिए इस तरह से करके टाइटली अब आपने इसका जो टॉप है वो बंद कर दिया है इसी तरह से अब ये जो साइड देख रहे हैं ना आप हमने वो मिलाते जानी है साइड सीने के बहुत सारे तरीके होते हैं आपको जो आता हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल ये चेन बनी हुई है और यहां पे भी ये देखिए ये वी शेप चेंज आ रही है ये देखिए अब ये राइट साइड है ना तो आपने क्या करना है इसकी भी बाहर वाली ये जो वी शेप है इसकी बाहर वाली ये अंदर वाली लेग है और ये बाहर वाली लेग है इस तरह से इसको यहां से और इसको यहां से बाहर वाली से ये देखिए ना ये भी वी शेप है ना इसकी बाहर वाली लेग इसको आपने यूं मिलाते जाना है फिर से आप यही करते जाएंगे सारे पूरी लाइन पे ये देखें यहां पे ये भी शेप है ना इसकी बाहर वाली ये यह यहाँ पे टॉप वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे थोड़ी सी हमने डिक्रीजेस किए हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा शेप डिफरेंट आ रहा है लेकिन आप जब नीचे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये यह देखें यहाँ से भी शेप दिया था ना पर ये देखें ये वी शेप है इसका वी के जैसा ना चेन बनी हुई है जो अब यहाँ पे देखें ये वी शेप है तो आपने इस तरह से यू मिलाते जाना है इसी तरह से मिलाते जाएंगे जितने भी आपको आपकी लेंथ होगी जितने भी आपके पास हैं मैं थोड़ा सा और आपको इस तरह से सीखे बताऊंगी ताकि बिगनर की हेल्प हो जाए यहाँ पे देखें अब वी शेप आ रहा है ये केबल है ना हमारी ये देखें ये केबल आ रही है ये केबल का कॉर्नर जो है वहाँ पे वी शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक हो गया अब यहाँ से ये चेन है हमारी क्योंकि इसकी तरफ तो और कुछ भी नहीं है ना ये है ना आखिरी फंदा हमारा चेन जो और उसका बाहर वाला आपने फंदा लेना है एंड देन इसका भी आपने ये देखिए चेन है इधर इसका भी आपने बाहर वाला लेना है लेकिन इस तरह से यहां तक श, इसको सीना बता दिया है कि किस तरह से सीते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ क्योंकि हमने दिया है यहाँ पे ट्विस्ट बिल्कुल कॉर्नर को ही आपने पकड़ना है यहाँ पे देखें कॉर्नर को पकड़ें और इसकी बाहर वाली लेग से ही मिला दें बस आखिरी फंदे को आपने देखना है जो कि आखिर में जा रहा है उसको मिलाते जाना है यहां पे हमने इसकी सारी साइड में ला ली है पूरी जितनी भी थी लेंथ के हिसाब से अब यहां पे कॉर्नर इसका फिक्स करेंगे ये देखें अनएन कॉर्नर हो जाए ना तो आपने इस तरह से इसको फिक्स करना है ताकि नीटनेस आए जब आप बुनाई करते हैं तो सारी बात ही नीटनेस की होती है और नीटनेस आती है से. देखें। बिल्कुल लग रहा है ना कि ये लाइन से है और ये देखें बैक साइड इसकी उसी तरह ये जैसे यहां पे हमने पॉल टू टुगेदर किया है अब धागों को आपने क्या करना है फिक्स करके इधर वेव इन लगा देना है वेव इन कर देना है वेव का मैंने तरीका सिखाया हुआ है कि रिबिंग पे वेविन कैसे करते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं या आपको जो भी आता हो तरीका वेव का वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेविन रॉन्ग साइड पे होगा उल्टी साइड पे अंदर की साइड पे कैप की यहाँ इस तरह से आप कर सकते हैं कैप हमारी रेडी हो गई है देखिए अंदर हमने वेव भी कर लिया है ये स्ट्रेची कैप होती है ये देखें और कितना प्यारा इसका लुक आया है ये ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम क्लीट्स पर ज़रूर इसकी तस्वीर शेयर कीजिएगा कोई भी हेल्प चाहिए नीचे कमेंट कर लीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह